गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मेरिस्टम टिश्यूज। कल हमने देखा था कि प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें जैसे मेरिस्टम टिश्यूज था, एक परमानेंट टिश्यूज था। प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज थे, मेरिस्टम टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। आज हम करते हैं मेरिस्टम टिश्यूज के, कल हमने टाइप के सिर्फ नाम जाने थे। क्या जाने थे? एपिकल टिश्यूज, इंटरकैलेरी लैटरियल। ठीक है, पहला देखो एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? जहां पे भी मींस ग्रोविंग होती है, जैसे मान लो कोई तने की ग्रो हो रही है, बढ़ रहा है, या फिर रूट ग्रो कर रही है, तो वहां पे क्या मिलेगा? एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज। ठीक है, ये टिश्यूज क्या करता है? स्टेम और रूट को मींस लंबाई को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ करता है। ठीक है, देखो इट इज प्रेजेंट एट ग्रोविंग टिप्स, मींस जहां पे भी ग्रोविंग टिप्स है, जहां पे ग्रोथ होती है ऑफ स्टेम एंड रूट, मतलब जैसे तने की ग्रो होती है, रूट की ग्रो होती है, वहां पे एपिकल जो है मेरिस्टम टिश्यूज प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यूज लेड टू एलोगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, मींस ये क्या करता है? रूट की और स्टेम की जो है ग्रोथ है उनको बढ़ाता है। दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, मीन्स ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है उसकी लंबाई का बढ़ना, जैसे प्लांट की लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंड है इंटरकैलेरी मेरिस्टम। इंटरकैलेरी मेरिस्टम क्या होता है? ये जो प्रेजेंट होता है, मतलब क्या होता है, इंटर नोड पे, नोड के मींस नोड के रूप में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे, मतलब कई बार क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज है, जैसे मान लो ये कोई स्टेम है, इसमें से इस तरह से ग्रो कोई लीव ब्रांचेज है वो ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे मेरिस्टम टिश्यूज पीछे जो है एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज कुछ बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो लेफ्ट जो पोर्शन बचेगा जहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी वो कौन सा होगा? इंटरकैलेरी। वो कौन सा होगा? इंटरकैलेरी। ठीक है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ग्रोथ करता है। तो इंटरकैलेरी मेरिस्टम इट प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स, मीन्स यहाँ पे मिलता है ये इंटर नोड्स की फॉर्म में। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, मीन्स ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है, विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, मीन्स जब ग्रोथ के टाइम, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? इंटरकैलेरी मेरिस्टम। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मीन्स उसकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड है लैटरियल मेरिस्टम। थर्ड कौन सा है? लैटरियल मेरिस्टम। देखो इसमें क्या है, ये जो मिलता है, जैसे मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, जैसे मान लो जैसे इस तरह से ग्रोथ, जैसे कोई प्लांट है, एक तो लंबाई की बल बढ़े, एक चौड़ाई की तरफ बढ़े, जैसे मान लो पहले ये इतना चौड़ा था, फिर थोड़ा इतना बड़ा हुआ, फिर इस तरह से बड़ा हुआ, तो जो चौड़ाई की ग्रोथ होती है वो किस कारण से होती है? जो इसकी वजह से, लैटरियल की वजह से। तो इट ओकर्स अलोंग दिस साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट, मींस ये क्या करता है? लॉन्गिट्यूडनल साइज को बढ़ाने में मदद करता है, मींस उसकी चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, और ये वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्म होता है, इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इट काज ग्रोथ इन ग्रीथ्स एंड रूट, मींस ये जो ग्रीथ बढ़ाने में, जैसे चौड़ाई बढ़ाने में, और रूट्स की, जैसे मान लो पहले थोड़ी पतली होती है, फिर थोड़ी मोटी हो जाती है, तो उनकी ग्रीथ बढ़ाने में मदद करता है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जो प्लांट की लंबाई बढ़ना, वो क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है? जो उसकी चौड़ाई का भी बढ़ना, वो कौन सी होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टम टिश्यूज और दूसरा कौन सा था? परमानेंट टिश्यूज। दूसरा कौन सा था? परमानेंट टिश्यूज। तो आज हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में और जानते हैं। मेरिस्टम टिश्यूज हमने कर लिए, तीन टाइप के थे, अब परमानेंट टिश्यूज देखते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो डिवाइड होने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके होते हैं, मीन्स ये डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है और थिकनेस होती है। ये डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। ये डेड भी सेल्स में फॉर्म में भी मिलते हैं और लिविंग सेल में। तो देखो इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, मीन्स ये सेल का वो हिस्सा है जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को, क्षमता को लॉस कर चुके हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, साइज एंड थिकनेस। और थिकनेस भी क्या मिलेगी? मीन्स इनकी डेफिनेट साइज मिलेगी, शेप मिलेगा और थिकनेस मिलेगी। इट मे बी डेड और लिविंग, ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, जैसे जो हमने देखा था मेरिस्टम टिश्यूज तीन टाइप के, तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, पहला कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिर दो टाइप के हो गए, प्रोटेक्टिव टिश्यूज और सपोर्टिंग टिश्यूज। कल हम इनके बारे में जानते हैं, सिंपल कौन से होते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज
ठीक है, और दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है।